गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, दिस इज दिव्या सोनी फ्रॉम RPIT कैंपस दसाड़ा करनाल, नर्सिंग ट्यूटर इन द नर्सिंग डिपार्टमेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट द ऑपियोइड यूज डिसऑर्डर, ड्राइव्ड एग्जुकेटेड ऑप्टिंग फ्रॉम द अनड्राइव एंड सीड कैप्सूल ऑफ द पेपर सोनी फॉर्म्स हैज़ बीन यूज फॉर द अब्यूज फॉर द सेंचुरीज। द नेचुरल एल्कलॉइड्स ऑफ द ऑपियम एंड द सिंथेटिक प्रिपरेशन आर द हाईली डिपेंडेंस। दिस ग्रुप इंक्लूड द सेवरल नारकोटिक सब्सटेंस लाइक ऑपियम, हीरोइन, मॉर्फिन, कोडेन एंड द फैडिडिन, मिथाडोन एंड द पेंटोक्सिन। सिंथेटिक प्रिपरेशन आर द हाईली डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग। These drugs are the mainly used as the analgesic but long term use for produce the dependency. The most important dependent producing derivatives are the morphine and the heroin. The both are likely majority of the dependence producing opioid bind, opioid receptors. The other opioid receptors like alpha, kappa, sigma, apple, acylon, delta, lambda, etc. Heroin or the diacetyl morphine is about the 2 times more potent than the morphine is the injectable form. Apart from that, the parenteral mode of the administration, heroin can be also be smoked or the chased, often in enzyme pure from the brown sugar in India. Opioid derivatives, natural alkaloids and the synthetic compounds. Natural alkaloids की बात करते हैं तो इसमें morphine, codeine, and the thiabine, naloxone and the papaverine आता है। अगर हम synthetic compounds की बात करते हैं तो इसमें heroin, naloxone, hydromorphone, methadone, doxy, proxy, poxifen and the metfedine, pitine, cyclosonin, levolofen and the diphenoxylate आता है। अगर हम बात करते हैं इंटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ऑपोइड तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट एंड द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बोथ आर द डिफरेंट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट आर द रिलैक्सेशन, हाइपर एक्टिविटी, ड्राउजीनेस, एनाल्जेसिया, रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर एक्सेट्रा। अगर हम फिजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो पिन पॉइंट, प्यूपिल, बैटिकार्डिया, रिड्यूस एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एक्सेट्रा। विड्रोल ऑफ ऑपोइड की बात करते हैं तो विड्रोल ऑफ ऑपोइड के लिए हमें ड्रग्स रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट लाइक डोज नॉट प्रोड्यूस सीरियस इफेक्ट एक्सेट्रा। द फीचर्स आर द फ्यू लाइक सिम्टम लाइक द लैक्रिसिमेशन, रनिंग नोज, मसल्स एंड जॉइंट पेन, कोल्ड एंड द रनिंग नोज, नोजिया, वॉमिटिंग एंड द डायरिया, पोलियो सिक्रेशन एक्सेट्रा। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं ऑपोइड के यूज़ की तो हम उसमें ड्यू टू द इलेक्टेड ड्रग कॉन्टामिनेशन, पार्किंसन डिसीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक्सेट्रा हम देख सकते हैं, देखने को मिलता है। विद द आईवी यूजर्स ऑफ द मे डेवलप्ड एड्स, हेपेटाइटिस, एंडोकार्डाइटिस एंड द सेप्टिसिमिया एक्सेट्रा। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, नालोक्सोम चैलेंजेस करेंगे, टेस्ट करेंगे, यूरिनरी ऑपोइड टेस्टिंग करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास सेप्टोग्राफी एंड द सीरम इलेक्ट्रोलाइट FBC एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट की बात करते हैं ऑपोइड इंटॉक्सिफिकेशन की तो ऑपोइड ओवरडोज कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड द नीड इमीडिएट मैनेजमेंट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन, मेंटेन पेटेंट पाथवे, एडमिनिस्ट्रेशन IV फ्लूइड एक्सेट्रा, मोनिटर वाइटल साइन एक्सेट्रा। और अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ विड्रॉल की बात करते हैं तो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आएगा, इसमें मिथैंडोन एंड क्लोडेन कैन बी यूज फॉर द मेंटेनेंस। अदर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें डाइट्री ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन, एंटीडिप्रेसेंट्स, सपोर्टिव थेरेपी, काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, सपोर्टिव ग्रुप्स, दीज आर द अदर ट्रीटमेंट फॉर द यूज ऑफ द ऑपियोइड इंटॉक्सिफिकेशन। थैंक यू, दिस इज आवर टॉपिक, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू सो मच। This is about complication, withdrawal of opioid and the topic is opioid use.